मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसमें मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और उसकी डेफिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा, किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को चित्रित किया जाता है, चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसके बारे में मैं इसमें जानकारी दे रहा हूं। इस क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण के मान के साथ साथ अपवर्तन कोण के मान में किस तरह से परिवर्तन होता है। यहां इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और वह आपतन कोण का निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अर्थात जैसे ही हम इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा देते हैं तो प्रकाश परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से उसने प्रवेश किया था और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्लिप में मैं आपको ये पूरा चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को किस तरह से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास दो माध्यम है, एक सघन और एक विरल माध्यम। एक नॉर्मल हमने ड्रा किया है MON। अब हम प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित करते हैं। देखिए, एक प्रकाश की किरण POP डैश दिशा में आपतित हुई और अपवर्तन के बाद OQ दिशा में चली गई। यहां आपतन कोण का मान 50 डिग्री और अपवर्तन कोण का मान 65 डिग्री है। यह एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जब आपतन कोण का मान कम है और अपवर्तन कोण का मान इससे ज्यादा है। आइए अब हम देखते हैं आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर क्या स्थिति निर्मित होती है। हमने आपतन कोण का मान बढ़ाकर कर दिया है 60 डिग्री। अब देखिए, यहां अपवर्तन कोण का मान हो जाता है 75 डिग्री। या फिर एक चीज स्पष्ट हो गई कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया। देखिए, अब हम देखते हैं आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर क्या होता है। हमने यहां आपतन कोण का मान बढ़ाकर कर दिया 70 डिग्री। जैसे ही हमने आपतन कोण 70 डिग्री किया, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ा और यहां ये बढ़कर हो जाता है 90 डिग्री। एक विशेष मान कहलाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस आपतन कोण के मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, या वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहां क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण का मान 70 डिग्री है, क्योंकि इस 70 डिग्री पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। देखिए, हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए अब हम इस मान को और बढ़ाकर देखें क्या स्थिति निर्मित होती है। अब हमने इस आपतन कोण का मान 70 डिग्री से बढ़ाकर 71 डिग्री कर दिया। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा, यहां अपवर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री से बढ़ गया और ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में OQ दिशा के अंदर लौट गई। यह स्पष्ट है कि जब प्रकाश जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया, अर्थात यह घटना यहां कहलाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए अब हम देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित किस तरह से किया जाए। हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है।
आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और आपतन कोण के इस विशेष मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से भी हम देखें कि यहां जब आपतन कोण 70 डिग्री था तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, यानी यहां पर क्रांतिक कोण हो गया आपके पास 70 डिग्री। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा और प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वो प्रवेश करती है और इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए नेक्स्ट क्लिप में फिर हमारे पास यहां हमने इस आपतन कोण का मान 70 से बढ़ाकर 71 कर दिया। 70 हमारे पास क्रांतिक कोण था, हमने जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक किया प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से उसने प्रवेश किया था, यानी यहां सघन माध्यम प्रकाश की किरण ने प्रवेश किया था और सघन माध्यम में ही पुनः लौट गई और इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन और डायग्राम के बाद अब केवल दो बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा कि इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये कब हो सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर वो प्रवेश करता है तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, अदरवाइज नहीं होगी। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होती। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो गई कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। आशा है इस क्लिप के माध्यम से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी मिली होगी और आप इसका सदुपयोग करेंगे। थैंक यू।